I am out of work actor. All awesome directors here. Look at me. Sanaya wants to work in good movies. Good work. Very nice. Can do everything from comedy to dancing to emotional scenes. I'm doing a Joey right now. दोस्तों, अगर आप सभी लेटेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू सबसे पहले जानना चाहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल नमोकार सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी। एक्साइटमेंट तो है ही, हम दोनों की फर्स्ट फिल्म है, सो ऑब्वियसली वी आर वेरी एक्साइटेड, एंग्शियस, सब कुछ। बट हाँ, ट्रेलर को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, जिसने भी देखा है everyone is like messaged me saying that it looks great. Songs ko bhi bahut hi zyada acha response mila hai. I'm getting like messages saying what soulful songs. So yeah, we are excited now. Bas ab film ki bari hai. Ab dono se janna chahungi ki is film ke part kaise mile. Part kaise mile? Haan, kaise bane aap? To iske pehle maine ek aur film kari hai, Siddhartha, jo abhi release nahi hui hai. Uske kuch rushes Vikram sir ne dekhe the. उनको तब मेरा काम बहुत अच्छा लगा था और उनने मुझे बुलाया था और कहा था कि हम काम ज़रूर करेंगे साथ। तो जब वो ये स्टोरी लिख रहे थे, शायद उनको कहीं मैं दिमाग में आया, तो उनके कास्टिंग डायरेक्टर ही गॉट इन टच विद मी एंड या उधर ही से दैट्स हाउ आई गॉट इट। मैं विक्रम के साथ एक वेब सीरीज़ कर रही थी, विच वॉज फॉर हिज वी बी ऑन द वेब एंड ही वॉज माई को एक्टर इन दैट वेब सीरीज़। तो आई थिंक उसी दौरान यू नो ही मस्ट हैव थॉट दैट माई वर्क वॉज गुड एंड फिर बात आगे बढ़ी एंड व्हेन गोस्ट वाज ऑन फ्लॉज, आई मीन वाज गोइंग टू गो ऑन फ्लॉज, ही हैड अप्रोच मी एंड ही सेड दैट यू नो देयर इज दिस फिल्म एंड वांट टू मेक इट एंड ऐसे हो गया। सो जब ये फिल्म ऑफर किया गया तो सबसे पहला थॉट क्या आया इस फिल्म को लेकर? ऑब्वियसली मैं सबसे पहले स्टोरी के बारे में सोच रही थी, बिकॉज फॉर मी इट वॉज ऐसा नहीं था कि आई वॉज मुझे फिल्में करनी थी, आई वॉज डाइंग टू डू अ फिल्म, मुझे काम करना था एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। और जब विक्रम ने यह स्टोरी नरेट किया मुझे, क्योंकि ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि यू नो द कॉर्ट वर्सेस सुपर नेचुरल एंड आई एम प्लेइंग अ लॉयर इन द फिल्म। तो जब मैंने पूरा स्टोरी सुना, व्हेन आई हर्ड माई कैरेक्टर विच वॉज सो ब्यूटिफुली रिटन बाई हिम, there was nothing left to say except yes. For me as well, when I read the story, I was really excited because मुझे horror movies बचपन से बहुत पसंद है, पर इसके साथ इसमें कहानी भी बहुत अच्छी है। There's lots of twists and turns. There's a lot that's happening with the characters that you don't expect. So just to start with a film like this, I was very excited. And then of course to be working with Mr. Vikram Bhatt, with Sanaya. Oh God, I was like, Shiva, bhai, I don't think you knew who I was before you signed. Can we just say that I did? Yeah, okay. So I was very excited. कॉम्प्लीमेंट यू कैन गो। ओके, तो मेरे दोस्तों में से कुछ दोस्तों ने जब ट्रेलर देखा है, देव लिटरली सेड कि मेरे हाथ से फोन गिर गया था और मुझे रात में, मतलब मैं सो नहीं पाऊंगी, मतलब क्या दिखा दिया तुमने और मैं नहीं देखने जा रहा मूवी। आई वाज लाइक थैंक यू सो मच, देखना तो पड़ेगा बट थैंक यू सो मच। ट्रेलर या फिल्म, व्हाट आर यू आस्किंग? ट्रेलर। फिल्म किसी ने देखी नहीं अभी। फिल्म तो आने वाली है। हां मतलब लेकिन यही यू नो लाइक आई मीन यही बेसिकली यही हम दोनों को, एवरी वन इज गिविंग दिस रिस्पॉन्स ओनली कि व्हाट अ लवली ट्रेलर, इट वाज सो स्कैरी, हम डर गए थे। एंड आई थिंक अगर कोई डर जाए हमारा ट्रेलर देख के, देन वी हैव डन व्हाट वी एम टू डू एंड तो वो हुआ है। पर सबको गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, व्हिच इज आल्सो रियली ग्रेट बिकॉज इंडियन सिनेमा लाइक हाफ ऑफ द बैटल इज वन व्हेन योर सॉन्ग्स आर ब्यूटीफुल। राइट। आप दोनों के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगी, किस टाइप का रोल प्ले कर रहे हैं आप? डू यू वांट टू बिगिन? श्योर। Would you like to? Oh, okay. I'm playing a character called Karan Khanna. He's a politician. Right. So, my character is very straightforward. He's focused on winning the elections. That's what he's working towards. But then something unnatural happens with him. And then how he has to deal with it is what builds with my character. I'm playing Simran Singh in the film. She's the lawyer. और लेकिन एक्चुअली आपको फिल्म देखनी पड़ेगी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, शी हैज़ टू मच हैपनिंग इन हर लाइफ। उसके पर्सनल लाइफ में ही वो इतनी चीज़ों के साथ डील कर रही है कि जब ये केस आता है उसके पास, इट जस्ट लाइक इट काइंड ऑफ एड्स एंड वियर्डली सॉल्व्स हर प्रॉब्लम। सो
आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रोल था बिकॉज इतने कम टाइम में टू बी एबल टू कन्विंस दी ऑडियंस कि ये लड़की ऐसी है और फिर आगे भी देखो स्टोरी ऐसी है, तो इट वाज अ लिटिल हार्ड फॉर मी। सो कितना कुछ प्रिपेयर करना पड़ा, कितनी चैलेंजेस आई इस फिल्म के दौरान? प्रिपेयर तो नहीं करना पड़ा बिकॉज एवरीथिंग हैपेंड वेरी फास्ट एक्चुअली। जब फिल्म मुझे ऑफर हुआ था एंड देन विक्रम वाज ऑलरेडी देयर, विक्रम इनफैक्ट लंदन में ऑलरेडी थे, वो शूटिंग फॉर समथिंग एल्स, साथ में हमारी फिल्म लिख रहे थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं था फॉर प्रेपरेशन। हमारा प्रेपरेशन हुआ व्हेन वी वर लिटरली ऑन सेट्स एंड विक्रम काइंड ऑफ लाइक nurtured me into this character of Simran because every day like he would aram se baith ke mujhe samjhate the ki this is what she's thinking, aisa mujhe scene chahiye, this is the kind of girl she is. So dheere 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 mujhe lage kuch 10 din samajhne ke liye what he wants from me in this character, but ek baar samajh mein aa gaya, just went. I mean the first time we met only was on set, hum log saath mein apna scene shoot kar rahe the, wo bhi interval ka. काफी इंपॉर्टेंट सीन, वी वर शूटिंग आवर फर्स्ट सीन वाज द मोस्ट लाइक अ वेरी क्रूशियल सीन इन द फिल्म और इमोशनल सीन, या इमोशनल सीन। और मुझे तो मतलब विक्रम ने इनफैक्ट मुझे कहा भी था कि आई एम सो सॉरी सनाया कि ये सीन यू नो यू हैव टू डू दिस सीन फर्स्ट, आई विश मैं आई वुड हैव ईज्ड यू इनटू द कैरेक्टर, कैरेक्टर थोड़ा समझती और फिर ये सीन आता, बट या इट वाज our first day was I think confusion, that's what so basically was. Our learning was on set, there wasn't much time for preparation. Okay, aur last day kaisa raha? last day was smooth, by then we were autopilot, autopilot mode pe the. It was I mean once you know what you're doing, you know your character and, you know what's happening, and you're not worried and you're not freaked out ki main aisa shot do kaisa shot do, once you know it, like once Simran Singh was a part of me, then it was a pleasure doing like you know scenes, like just it just happened, it flows, like aise ho jata tha, pata hi nahi chalta tha and the scene was over. Vikram sir ke sath kaam karke kaisa raha, kaisa experience raha? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, इनफैक्ट आई फील लाइक आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर डायरेक्टर टू स्टार्ट माय फिल्म करियर विद, बिकॉज वो इतने ज़्यादा पेशेंट है, इतने ज़्यादा काम है एंड वो बहुत ही सेंसिबल बातें करते हैं, लाइक व्हेन ही टेल्स यू अबाउट अ कैरेक्टर यू नो ही जस्ट नोज हाउ टू मैनूवर एन एक्टर, वो समझते हैं कि एन एक्टर सोच क्या रहा है, ही विल टेल यू व्हाट यू आर थिंकिंग बिफोर यू आर थिंकिंग इट, यू नो। सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर टीचर, क्योंकि मेरे लिए मैंने बहुत कुछ सीखा है इस फिल्म के थ्रू। बड़े पर्दे पे काम करना इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, इट्स नॉट द सेम एज व्हाट इट इज इन टेलीविजन, इट इज़ डिफरेंट एंड विक्रम टॉट मी दैट डिफरेंट एंड ही टॉट इट टू मी वेरी कामली एंड ब्यूटिफुली, सो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर समवन बेटर। Yeah, I think it was just very enriching because he was coming from so much experience. He's been in the industry for so many years. He's made some amazing films. तो आपको इतने कई नज़रिए हैं जो हम सोच नहीं सकते जो वो दिखा सकते थे और उसकी वजह से हमें सीखने को मिले। So it was So I think that was it. It was a very beautiful learning experience for sure. आप लोग दोनों का ये first movie है, so कैसा मतलब कितना challenging रहा है ये जानना चाहूँगी। Shoot करने में चैलेंजिंग तो नहीं, शुरुआत के लिए जैसे इन्होंने कहा द फर्स्ट फ्यू डेज जस्ट टू अंडरस्टैंड आवर कैरेक्टर्स, अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू वाज अ बिट चैलेंजिंग, उसके बाद इट वाजंट रियली। हाँ, इनिशियली चैलेंजिंग था, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इनिशियली चैलेंजिंग लगा था बिकॉज लाइक सी हिज कैरेक्टर इज स्टिल इट्स अ वन डिमेंशनल कैरेक्टर, एक है उसके, एक इंसान है ऐसा है उसके साथ ये हुआ है, बट माई कैरेक्टर इज़ लाइक ये लड़की है इसके साथ ये हुआ है पर ये सोचती है और वो ये करती है और फिर ये आ गया है और फिर भूत आ गया है, इट्स लाइक हाउ डू यू सो मैनी थिंग्स एक साथ। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इनिशियली बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट लाइक आई सेड कि विक्रम वॉज देयर टू गाइड मी थ्रू इट। सो आप टी वी कर चुकी है, फिर फिल्म ये पहली है आपकी, जी कितना इंटरेस्टिंग रहा ये बता? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट जब मैं टी वी करती थी तो आई नेवर रियली थॉट कि मुझे फिल्में करनी है, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग एज एन एक्टर, मुझे कभी लगा नहीं कि यार नहीं टी वी करके वो नहीं मिल रहा जो फिल्म करके मिलेगा, बट अब जो मैंने फिल्म की है आई नाउ अंडरस्टैंड वॉट आई वॉज मिसिंग आउट ऑन, ये इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ डिफरेंट एक्टिंग गेम ऑल टुगेदर। एंड अभी तो मतलब मैं लिटरली आई एम अ बेबी नाउ, आई फील लाइक अभी तो शुरू किया है मैंने ये, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ओके, इन फ्यूचर आप किस टाइप की मूवी करना पसंद करेंगे? ऑल काइंड्स, आई डोंट वांट टू लिमिट माय सेल्फ टू एनीथिंग। किस टाइप का रोल प्ले करना चाहेंगे? एनी काइंड ऑफ रोल, लाइक किसके साथ करना चाहेंगे? देयर आर सो मेनी गुड एक्टर्स, ओ माय गॉड, इन आवर इंडस्ट्री देयर इज मैन सो मेनी,
इमरान खान, नवाजुद्दीन, आयुष्मान, विकी, राजकुमार राव, रणबीर कपूर इज़ सो गुड, रणवीर सिंह इज़ सो गुड. ओ माई गॉड, आई कैन नेम सो मेनी एक्टर्स. दीज गाइज आर सो टैलेंटेड. आई वुड लव टू वर्क विद ऑल ऑफ देम. द क्वेश्चन इज, डू दे वॉन्ट टू वर्क विद मी? सेम चीज. Yeah, exactly what Which she said. Which actresses do you want to No, I think she'd like to start with the film. Like, what kind of films do I want to do? Honestly, considering it is my first film too, I'm very open to trying different things. Like, I would love to do, say, a romantic comedy or just a love story maybe, or an action film, or horror to ho gaya, par ek aur horror, anything really. Till the subject is good and I connect with the film, I would love to do it. Or actress? और एक्ट्रेस सिर्फ सनाया. बहुत जीत. डायरेक्टर, डायरेक्टर्स की बहुत लंबी लिस्ट है, बट आई थिंक जोया अख्तर इज मेकिंग सम ब्यूटीफुल फिल्म्स. यू स्टोल माय डायरेक्टर, यू स्टोल हर. शी इज कैन बी मेकिंग ब्यूटीफुल फिल्म्स फॉर बोथ ऑफ अस. ओके, या ओके. एंड बट आई वांट टू वर्क फॉर यू. वर्क द फर्स्ट ना शिवम, हो गया काम. आई एम टेलिंग यू, हो गया काम मेरा. नहीं, अनुराग बासु इज ग्रेट, कश्यप इज ग्रेट, इम्तियाज अली, सो मेनी. I don't know. Actually, I think these days there's just such great content being made and everyone is experimenting, trying different things, and yeah. I would just love to do a different kind of project, you know, which is exciting and different from the rest that's coming out. So, if it's a great director as well, that'll just be a bonus. आज के वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया बहुत ही पावरफुल हो चुकी है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुकी है, सो आप लोग देखने वाले हैं? कहाँ? On web series and stuff? मतलब web shows. Definitely, definitely. Yes, of course. बहुत बढ़िया content है and the platforms are huge and there's so many. Netflix, Amazon, here we come. आपके upcoming projects के बारे में जानना चाहूँगी और क्या कुछ आने वाला है? बताइए सर, आपने तो 4 फिल्में साइन कर ली है already. नहीं, मेरी कुछ फिल्मों की बातें हो रही हैं, बट कुछ भी साइन नहीं किया अभी मैंने. मैं तो ऐसे ही खाली बैठा हूँ, आप बताइए. बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते साथ ही खाते, आप बताइए. मेरी कोई बात नहीं चल रही है. आई एम आउट ऑफ वर्क एक्टर. ऑल ऑसम डायरेक्टर्स हियर, लुक एट मी. सनाया वॉन्ट्स टू वर्क इन गुड मूवीज, गुड वर्क, कैन डू एवरीथिंग फ्रॉम कॉमेडी टू डांसिंग टू इमोशनल सीन्स. आई एम डूइंग अ जोई राइट नाउ. आई विल डू इट ऑल फॉर ऑल ऑफ यू. There you go. And lastly, आप अपने fans को क्या बोलना चाहेंगे? कि हमारी पहली movie आ रही है 6 दिनों में. All my fans, all my viewers, you guys have loved me so much. I have received so much love from you guys. So just please keep the love pouring in when Ghost releases on the 18th of October. I would love to know what you guys thought of the film, and you all know how you all can tell me that through social media. But yeah, go watch it, don't watch it alone. Yeah. Take a bunch of people and watch it. Take your family, take your friends, take your neighbors, take everybody you know. और मैं हर किस्म की acting कर सकती हूँ film में, मैं comedy भी कर सकती हूँ, dance भी कर सकती हूँ. Sadly, इसमें comedy नहीं मिलेगी और शायद dance भी ना मिले, लेकिन movie जरूर देखिएगा. Thank you. Thank you. Thank you.